डिलीवरी वैसे किसी की गेम की क्या चार्जेस अगर डिलीवरी कोई और भी गेम्स है वो हम अराउंड ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करने में। तो यार वापस से आ गया हूँ मैं यहाँ पे करोल बाग समुराई कॉर्नर पे और भैया ये खड़े यहाँ पर। तो जैसे कि पता ही आपको अगले महीने मॉर्टल कॉम्बैट और डेज गोन आने वाली है और मैं जा रहा हूँ 20-22 दिन के लिए बाहर, तो हो सकता है हाके मुझे ना मिले इसलिए मैं प्री ऑर्डर करके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो भैया से पूछे हैं क्या क्या पूरी फॉर्मेलिटीज़ है प्री ऑर्डर की और इसके अलावा कुछ अलग से भी मिल रहा होगा जो प्री ऑर्डर करवाएंगे, तो वो सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको भी डर है कि ख़त्म हो जाएगी जल्दी तो पहले ही प्री ऑर्डर कर सकते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो तब भी कर सकते हो आप पेटीएम वगैरह करके, तो वो पूरा भैया बता देंगे। तो भैया पहले दो गेम्स आ रही है, क्या क्या प्राइस होंगे दोनों के? पहले तो मॉर्टल कॉम्बैट 11 आ रही है, वो 23 अप्रैल को आएगी और दूसरी डेज गॉन वो 26 अप्रैल को आएगी। तो जो मॉर्टल कॉम्बैट आ रही है उसके लिए हमारे पास पहले 5 से 7 प्री ऑर्डर्स के लिए वो आया हुआ है, डिजिटल कोड्स आए हुए हैं जिसमें आपको प्राइवेट बीटा के एक्सेस मिलेगा और साथ में जो है शाह खान जो है उसका करेक्टर मिलेगा डीएलसी साथ में, जो प्री ऑर्डर करवाएंगे। मतलब ये खाली प्री ऑर्डर वालों के लिए, सिर्फ प्री ऑर्डर जो करवाएंगे उनके लिए, बाकी बाद में अलग से जो उसमें वो करेक्टर्स नहीं आएगा। अच्छा। और जो मॉर्टल कॉम्बैट 11 का प्राइस पड़ेगा वो अराउंड 3200 पड़ेगा, 3200 के अराउंड पड़ेगा और आप मिनिमम 500 अमाउंट करवा के प्री ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में हम आपको वो कोड उसी टाइम भेज देंगे जैसे ही आपका प्री ऑर्डर अमाउंट आएगा। और उसके बाद आएगी डेज गॉन, वो आएगी 26 अप्रैल को और उसमें जो है आपको 3600 प्राइस रेंज पड़ेगी और प्री ऑर्डर करवा सकते हो उसका भी वैसे ही। और उसका जो है उसमें कोई डीएलसी अभी के लिए नहीं है, पर बाद में आपको साथ में जो है पोस्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर मिलेंगे और सोनी की तरफ से हो सकता है बाद में और भी कोई गिफ्ट्स आए तो वो भी ज़रूर मिलेंगे। तो इसकी क्या नाइट में ही लॉन्च होगा या फिर दिन में मिलेगी? नहीं, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, दोनों ही गेम का? हाँ, अभी वो डिसाइड, क्योंकि अभी अराउंड पूरा एक महीना पड़ा है तो वो हम 15 दिन पहले कंफर्म करेंगे, अराउंड 15 अप्रैल आपको कंफर्म हो जाएगा। और अभी इस महीने में भी काफ़ी सारी 2-3 और गेम्स आई थी, मैं आया नहीं था। अभी आई है, अभी जैसे कि डेविल मेक राय है वो भी हमारे पास आ गई है, वो भी हर जगह आप देखोगे स्टॉक में नहीं है पर हमारे पास अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। और उसके बाद एक और गेम आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आई है सेकिरो भी आ गई है हमारे पास। इसके हमारे पास 2 एडिशन, एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक इसका स्टील बुक एडिशन है, वो भी मिल जाएगा। एक ये डिवीजन 2 आई हुई है, डिवीजन 2 जो है वो 3500-3600 के अराउंड आपको मिल जाएगी, ये वाशिंगटन डीसी एडिशन है। और ये सेकिरो है, ये मिल जाएगी 4000 के अराउंड पे आपको कॉस्ट पड़ जाएगी, ये भी मिल जाएगी। तो अभी तो यही आई हुई है ना गेम्स वगैरह? हाँ, अभी तो ये बाकी अभी तो आनी है, बाकी फिर लास्ट और डेज कौन ही है मेन गेम, उसके बाद E3 में डेट्स अनाउंस होंगी E3 में कि इस साल की कौन सी बड़ी गेम है, कौन सी आने वाली है, वो सब फिर E3 में ही पता चलेगा, और गेम्स कॉम में पता चलेगा। तो चलो, दो गेम्स आने वाली है अगले महीने, अगर आपको प्री बुकिंग करवानी हो, पता चल गया नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दे रखा है, पेटीएम कर सकते हो आप 500 रुपये का, है ना? हाँ, मिनिमम 500। तो मिनिमम 500 रुपये कर सकते हो, बाकी कर लेना। और ये लगे हुए पोस्टर यहाँ पे डेज गोन के पूरे, तो काफ़ी अच्छी गेम होने वाली है। आपके हिसाब से ये कैसी निकलेगी? डेज गोन तो सोनी एक्सक्लूसिव है, तो सोनी एक्सक्लूसिव जो पिछले साल आई है उन सबने बेस्ट, बाकी गेम से भी अच्छा परफॉर्म किया है और सब अच्छी बिकी है, सेल्स भी काफ़ी अच्छी रही है, तो उम्मीद है डेज गॉन भी जो है सोनी के एक्सक्लूसिव टाइटल है तो अच्छा जाएगा। और मॉर्टल कॉम्बैट जो है वो तो 8-bit से चलता आ रहा है, मॉर्टल कॉम्बैट तो आज 11th पार्ट आ रहा है उसका, तो अब वो भी पुरानी गेम है और वो भी सबकी फेवरेट है, तो उसमें भी उम्मीद है अच्छी रहेगी। तो उसमें तो प्री ऑर्डर में ही फायदा है क्योंकि शाहरुख खान करेक्टर प्री ऑर्डर भी और प्राइवेट बीटा भी मिल रहा है, मतलब बाकी से भी पहले लोगों से आप पहले खेल सकते हो। तो आ जाओ फटाफट से समुराई कॉर्नर, फोन पे भी कर सकते हो। डिलीवरी वैसे किसी की गेम की क्या चार्जेस है? डिलीवरी कोई और भी गेम्स है वो हम अराउंड 50-80 रुपीस चार्जेस लगते हैं ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करने में, और एक से दो दिन में पहुंच जाती है। जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं और जो बाकी है उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 3 से 5 दिन मैक्सिमम मान के चलो। चलो फिर, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया सारी, फटाफट से करवा लेना जिसने जो भी गेम करवानी है।